और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा, केजरीवाल सरकार ने सुंदरकांड पाठ का किया ऐलान। आज दोपहर 3 बजे से रोहिणी में सुंदरकांड पाठ करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी आप। बता दें कि दिल्ली में हर माह के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा। केजरीवाल समर्थकों से की है सुंदरकांड पाठ की अपील। तो बड़ी खबर ये बता दें, दिल्ली से जहां पर रामलला प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने यह बड़ी घोषणा की है, केजरीवाल सरकार ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है। आज दोपहर 3 बजे रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे अरविंद केजरीवाल। और ये देखिए तस्वीर है, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुंदरकांड पाठ करते हुए आज दोपहर करीब 3 बजे रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे केजरीवाल। और केजरीवाल ने अपने सभी समर्थकों नेताओं से सुंदरकांड पाठ करने की अपील की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने यह बड़ी घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है और आज दोपहर करीब 3 बजे रोहिणी में सुंदरकांड पाठ करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। और दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों पार्टी नेताओं से सुंदरकांड पाठ करने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी घोषणा की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है। आज दोपहर 3 बजे रोहिणी में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को होगा सुंदरकांड का पाठ। और अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों नेताओं से सुंदरकांड पाठ की अपील की है। तो यह बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी की यह बड़ी घोषणा।